हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज ये देखेंगे 5.2 का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये वाला देख लीजिए, ये आज हम पूरा पढ़ेंगे। ये है 5.2 एक्सरसाइज। तो जो कि लिख देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2 ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो करेंगे, अभी देखते हैं कि जितना हो पाता है 15-20 मिनट में। तो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1 to 2। यानी 1 to 2 का मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज यही दिया हुआ है, ये वाला 1 और 2 यही। तो चलते हैं, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको हम बताए थे कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मॉडुलस करते हैं किसको, अभी भी उसको रिवाइज कर देंगे। एंड आर्ग्यूमेंट ये क्या होता है, ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से इसको अभी हम वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, पहले हम समझते हैं एक दूसरा पेजा में। दूसरा पेजा कहाँ है, रुक जाइए आप थोड़ा सा, पेज कहाँ गया भाई। हाँ चलिए इस पे हम समझते हैं, अभी इसको पेंडिंग में भी रखिए। चलिए ये देख लीजिए कि मॉडुलस होता क्या है, पहले पढ़ा चुका हूँ हम, फिर भी पढ़ा रहे हैं। मॉडुलस देखिए इसमें क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, इसका मॉडुलस, यानी मॉडुलस का मतलब होता है ये जेड का दोनों तरफ से ये वाला ऐसे ऐसे इस तरह से डंडा लगा दिया जाता है। अब जो बोलिए डंडा बोलिए जो बोलिए, चलिए ए होता है मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस बराबर रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ओके, ए की जगह कुछ भी रहे, बी की जगह कुछ भी रहे, ए की जगह कोई रियल नंबर रह सकता है 1, 2, 3, 4 या रूट में रह सकता है, √1, √2 कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर भी सेम वैसे रह सकता है। तो चलिए पहले मॉडुलस देखते हैं, आर्ग्यूमेंट अब देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, चलिए पहले मॉडुलस यहाँ पर आ गया, तो मॉडुलस का पहले ये वाला कर लेते हैं। चलिए एक बना लेते हैं, हिसाब यहीं पर बना लेते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट भी बताइए ही देते हैं। चलिए आर्ग्यूमेंट इसको थीटा से डिनोट करते हैं, आर्ग्यूमेंट थीटा, इसको ये होता है टैन इनवर्स बाई बाई एक्स, इसका मोड, ये फार्मूला होता है। बाई क्या है, एक्स क्या है, ये भी देख लेते हैं। देखिए अगर कोई सपोज एक ट्रायंगल मान लिया जाए या कोई एक इस तरह से पॉइंट ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है 2, -2, प्लस मिला रहेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2, 4 है सपोज, ठीक। तो यहाँ से यहाँ ये जो मिल गया ओरिजिन से, तो इसका ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ हो गया, ये पॉइंट पी है। तो इसको हम अगर इसे मिला दें तो ये वाला नीचे वाला आपको पता है एक्स होता है, ऊपर वाला क्या होता है बाई, तो यानी एक्स यहाँ पर कितना है 2 और बाई कितना है 4। तो यानी कि इसका बोले तो इसका हम फाइंड करना चाहे आर्ग्यूमेंट यहाँ पर थीटा, यानी कि थीटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा टैन इनवर्स बाई, बाई की जगह कितना 4 अपॉन एक्स की जगह 2 ना, यानी कि कट के आ जाएगा टैन इनवर्स कट के 2 बार में यानी 2, तो 2 यानी कि मॉड ऑफ 2 ही होता है, मॉड इसलिए दिया जाता है। अच्छा मॉड होता है क्या ये भी देख लेते हैं, मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव वैल्यू रहता है तो उसका भी पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहा भी करता है। सपोज इससे -2 आ गया, तो मॉड से अगर बाहर अगर -2 लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें हम मॉड निकाल दें लगा दें ऐसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी नेगेटिव का भी पॉजिटिव बना देता है कौन, मॉड लगा देने से। तब समझ गए मॉड क्या होता है, मॉड बराबर क्या होता है इसे
रूट अंडर एक फार्मूला होता है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद रखिए मॉड जेड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट बराबर ये वाला। तो ये तो रिवाइज किया रहा है पिछले लेक्चर का, इसको आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए, या तो आप वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके इसको उतारिए। चलिए अब आप आते हैं अपना क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें ये देखिए ये वाला पार्ट ए हो गया और ये वाला पार्ट बी हो गया। तो चलिए मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस इसको हम क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से ना, ऐसे मोड कर देते हैं बराबर। मॉडुलस लिखिए नहीं आप, मॉडुलस लिखिए या फिर ऐसे करके कोई एक लिखिए, तो हम पूरा काट करके सिंपल सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं मोड ऑफ जेड। तो ये थोड़ा सा लाइट कम गई इसका, थोड़ा से हम इसको लाइट बढ़ा देते हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए। चलिए आई थिंक ठीक हो, हाँ चलिए। यानी मोड ऑफ जेड बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर ये कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन के स्क्वायर करेंगे तो अच्छा अगला स्टेप में लिख देंगे बी, बी के जगह कितना है रूट थ्री, रूट थ्री के माइनस रूट थ्री है, तो यहाँ पर ही माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस रूट थ्री करेंगे, माइनस रूट थ्री इसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, रूट अंडर माइनस वन के स्क्वायर, वन के स्क्वायर वन ही होता है, निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव ही बन जाएगा, यानी वन हो जाएगा, प्लस इसका रूट थ्री के स्क्वायर करेंगे तो थ्री, यानी कि रूट फोर आ जाएगा, रूट फोर का टू निकल जाएगा। तो यही हो गया इसका मॉडुलस, यानी इसका टू आ गया मॉडुलस। अच्छा अब एक और निकालना क्या, आर्ग्यूमेंट, तो चलिए आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के किस चीज़ से डिनोट करते हैं, थीटा से। चलिए थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी बताए थे टैन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, यानी बाई अपॉन एक्स का मतलब ये वाला क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट ये वाला, सॉरी बाई एक्सिस होता है ये वाला, एक्स एक्सिस वाला अभी अभी बताए थे, ये बाई एक्सिस वाला होता है, यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होता है, और एक्स वाला यहाँ से यहाँ तक के। तो यह देखिए इसमें नहीं ध्यान देना, चलिए यहीं पर हम बता देते हैं। एक ये वाला जो होता है ये बाई भी होता है, बी को ही बाई बोलते हैं, और ये वाला जो होता है ये एक्स होता है, ठीक। चलिए तो बाई यहाँ पर कितना है, रूट थ्री, तो रूट थ्री कर देते हैं, पूरा भी लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स बाई, बाई की जगह रूट थ्री अपॉन एक्स की जगह माइनस वन, सॉरी यहाँ पर माइनस भी था ना, तो माइनस भी लगा देंगे, ओके। चलिए तो माइनस माइनस कैंसिल, रूट थ्री ऊपर आ गया, रूट थ्री बटा वन यानी रूट थ्री होगा, तो टेन इनवर्स रूट थ्री। इसका मान, इसका वैल्यू क्या होता है आपको पता है, ये टेन इनवर्स रूट थ्री पाई वाई, इस आप टेन क्लास में पढ़े होंगे टेन रूट थ्री, ये 60 डिग्री का मान होता है ना जी, टेन 60, 60 को किसे लिखेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई सिक्स। आपको फिर ऐसे देखते हैं इधर कि 180 है, क्या करेंगे इसको जगह 180 लगते हैं, आइए 6 यानी कट के कितना, सॉरी पाई बाई थ्री होगा, सही हाँ पाई बाई थ्री, तब थ्री आएगा तो 3 6 18 और 6 0 यानी कि टेन 60 का मान आता है ना, ये वाला पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री, तो इसका यही हो गया। अच्छा इसमें और भी आगे बढ़ना है तो हाँ एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है, अभी यही आंसर नहीं हुआ, आंसर और आगे देखते हैं। चलिए आपको ये वाला देखना होगा, कहाँ इसी पे बताते हैं रफ पेज में, ठीक है ना। आप देखिएगा आप बच टेंथ क्लास में ये भी पढ़े होंगे कि इसमें प्लस प्लस होता है, यानी एक्स एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला बाई एक्सिस, यानी इस फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस बाई भी प्लस, इसमें एक्स क्या होता है माइनस और बाई वाला प्लस, माइनस प्लस इसमें दोनों माइनस होता है, माइनस माइनस इसमें क्या होता है
एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है, तो ये कोऑर्डिनेट का थी है, आपको पता है 10th क्लास में इसे इस पढ़े होंगे। अब इसमें और देखते हैं, इसमें अगर थीटा का वैल्यू लिखना हो तो थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? वही एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो वही वाली अभी दिखाएंगे। चलिए बता ही देते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ही हो तो देखिए, अगर कोई यहाँ पर एंगल है, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है ना जी, देख लीजिए, मान चलिए कि ये वाला मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक, तो इसी को हम नाम दे देते हैं अल्फा। लेकिन पाई यहाँ पर ही करा, पाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पाई होता है, यहाँ से यहाँ, तो यानी कि वही होता पाई माइनस क्या हो जाएगा 30। अगर निकालना चाहें ये सब भी रहने दीजिए, फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएगा कचरा, तो आप ये समझिए, ये सब याद रखिए। त्रिकोणमिति में आप डिटेल से पढ़ाएंगे हम आपको, ऐसे त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ये वाला होता है इस घर में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, इस घर में थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होता है, इस घर में सभी इम्पोर्टेंट है जी, सब बढ़िया से नोट करिएगा, इसमें थीटा बराबर होता है, पेन थोड़ा सा अच्छी कर देते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, और इसमें थीटा बराबर होता है माइनस अल्फा, अभी दिख पता चल जाएगा कौन क्या माइनस अल्फा क्या होता है जो, और इसमें होता है थीटा बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बस, अब इसको क्या करना है देखना है, ध्यान दीजिए कि टैन पाई बाई थ्री, आपको ये भी पता है कि ये देखिए प्लस में, लेकिन ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर ही एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस था, यहाँ पर देखिए एक्स वाला भी माइनस है और वाई वाला भी माइनस है, ये है ना जी, एक्स वाला यानी माइनस लगा हुआ, इसमें भी माइनस लगा हुआ, यानी दोनों में माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर ही देखिए दोनों में माइनस है, तो इसका थीटा क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर पाई अच्छी माइनस पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा, तो यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा बराबर पाई माइनस फिर पाई फिर माइनस अल्फा, अल्फा यही हो गया आपका, ओके। चलिए तो माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 यानी 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई, 2 पाई बाई 3, तो माइनस 2 पाई बाई 3, यही इसका आंसर हो गया, थीटा बराबर इतना। एक जगह चाहे लिखना तो लिख देते हैं कि आर्गुमेंट क्या आ गया, आर्गुमेंट ये आ गया माइनस 2 पाई बाई थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, और मॉडुलस आ गया, क्या कहाँ गया जी मॉडुलस, मॉडुलस यह 2 आ गया। तो पहला क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत उठा लीजिए आप सही से। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, तो इसको हम अगला दूसरे पेजाम में देखते हैं। चलिए दूसरा बोर्ड भाई सही से हो जाओ। चलो क्वेश्चन क्या था दूसरा, लाइट कम जा रहा है, चलिए ठीक है भाई, लाइट तो चल जा सही से। दूसरा कहाँ गया दूसरा, अच्छा उधर ही था, अच्छा बुक में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा, माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, यानी माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी सोल्व करने हैं, कैसे सोल्व करेंगे, मेरा पेन भी ख़त्म हो गया, चलिए दूसरा पेन, इसमें देखना है तो क्या निकालना है, मॉड, तो मॉड को जेड से डिनोट करते हैं, बराबर हो जाएगा मॉड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स के क्या करेंगे रूट थ्री, तो रूट थ्री के माइनस रूट थ्री के स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिएगा बाई स्क्वायर, तो बी यहाँ पर देखिए आईओटा है, इसके साथ नहीं कुछ लगा हुआ तो वन मल्टीप्लाई में रहता ही है, यानी कि वन के स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर ही। आगे बढ़िए देखिए यहाँ पर ही, अरे भाई ये हट जा, हाँ माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आएगा, प्लस वन के स्क्वायर करेंगे तो वन, यानी इसमें भी फोर रूट टू निकल जाएगा। चलिए मॉडुलस तो हो गया, आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स क्या होता है बाय अपॉन एक्स। ये क्या चीज में होता है, मॉड में होता है, क्या मॉड में, यानी कि अगर माइनस में भी आए तो उसका वैल्यू प्लस में लिखेंगे। तो बाय यानी टैन इनवर्स बाय कितना है जी, बाय ये वाला ना होता, हमको बताए थे ये वाला, इसमें वन है, इसमें वन आयोटा को नहीं लिखते हैं, बी वाला पार्ट रियल पार्ट वाला को, आयोटा तो इमेजिनरी होता है ना, तो वन अपॉन ये कितना है एक्स, ये वाला एक्स होता है, ये वाला एक्स और ये वाला बाई। तो चलिए माइनस रूट थ्री इसका मॉड ले लेते हैं, देखिए इसमें माइनस आ गया तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो फिर भी माइनस ही मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ ना, देखिए मॉड से बाहर निकालना चाहें तो वन अपॉन रूट थ्री लिखेंगे। चलिए टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री ये किसका होता है, कन्हैया टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री किसका वैल्यू होता है जी, टैन बोले तो पाई बाई सिक्स का, यानी कि पाई बाई सिक्स बोले तो 30 डिग्री। आप पढ़े होंगे ना टेन इनवर्स, 10 क्लास में इनवर्स नहीं पढ़ना था तो कोई दिक्कत नहीं, आप 11th में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री का मान, इसका मान नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, अरे भाई फटेंगे हट जा, इसका होता है पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स आ गया, लेकिन अब यही आंसर हो गया, नहीं इसका आंसर यही नहीं हुआ। चलिए इसका आंसर क्या होगा तो देखते हैं, ये अब देखते हैं कि यहाँ पर ही तो एक्स वाला पार्ट निगेटिव है, बाई वाला पार्ट पॉजिटिव है, यानी माइनस प्लस कौन सा घर में आ गया जी, यानी माइनस और प्लस, तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा, तो इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा के इसी को अल्फा हम बोलते हैं, ये अल्फा हो गया आपका, ठीक है यानी पाई बटा सिक्स। चलिए तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स पर सिक्स पाई माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, फाइव पाई, हाँ तो फाइव पाई बाई सिक्स ना, फाइव पाई बाई सिक्स, यही इसका आंसर हो गया थीटा बराबर, यानी आर्ग्यूमेंट निकल गया फाइव पाई बाई सिक्स और इसका मॉडुलस हो गया टू, यही इसका आंसर हो गया। आप इसको भी सही से उतार लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं बताना है। चलिए आज के लिए यहीं तक, कंसेप्ट बता दिए कैसे करना है, अगर कोई भी आपके लिए एक होमवर्क भी 2-3 क्वेश्चन देते हैं वो आप करिएगा, कर करके भेजिएगा, और अच्छा वीडियो लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पूरा 11th एंड 12th अभी पढ़ाने वाला हूँ, पूरा NCERT को ही अभी कवर करवा रहा हूँ, NCERT को, उसके बाद मैं और कोई अलग प्रिपरेशन करवाऊँगा स्पेशल JEE के लिए, IIT JEE JEE Mains JEE Advanced के लिए। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग को, ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए। चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहीं तक, आप लोग 2 तक हो गया, आप लोग खुद से आगे होमवर्क यही मिल गया, रुक जाइए पहले उतार लीजिए सही से इसको। चलिए आगे हम करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रह गया, आप खुद से करके देखिए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये पूरा आप खुद से बनाइए, या तो नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगला लेक्चर में ये वाला पहुंच जाएगा कल। चलिए आज तक यहीं स्टॉप करते हैं, बाय, गुड नाइट।